साधु राम सत्य राम। श्रोताओं, एक बार एक राजा होता है और वो राजा एक सिद्ध संत का शिष्य था। एक बार वो राजा अपने गुरुजी या संत के पास जाता है, कहता है, महाराज वैसे तो मैं राजा हूं, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, जो जो मन में भाव आए मैंने वो सारे कर्म करके देखे, लेकिन मेरा चित्त शांत नहीं हुआ। कुछ ऐसी कृपा करो कि जिससे मेरे मन में, मेरे चित्त में शांति हो, भक्ति भाव हो। संत ने कहा, राजन तुम अपना सब कुछ दान में देके आ जाओ, इस कुटिया में शांति अवश्य मिलेगी, चित्त शांत अपने आप हो जाएगा। श्रोताओं, गुरु की आज्ञा मानकर राजा ने अपना राजपाट सब कुछ दान में दे दिया और संत के कुटिया में चला आया। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया और संत के पास गया तो संत ने वहां अपना चिमटा उठाया और तो फटकारे राजा को, बोले यहां क्या करने आया है, तेरे पास कुछ है ही नहीं तो किस लिए आया यहां पे, चले जाओ यहां से, यहां तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं। सभी ओर से नजारा देख रहे थे, राजा को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने गुरु के कहने पे, संत के कहने पे, उनके एक वचन पे अपना सब कुछ दान में दे दिया और आज मेरे को ये मिला, ये सबक मिला मेरे को, उसके बदले मेरे को ये दिया कि यहां से भी डंडा उठा के, चिमटा उठा के पिटाई करके मेरे को यहां कुटिया से बाहर निकाल दिया। अब क्या करे राजा, क्योंकि अभी राजा राजा भी नहीं रहा, एक साधारण आदमी हो गया, राजपाट दान में दे दिया, अब जंगल में भटक रहा है। जंगल में भटकते भटकते एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब उसके गुरु ने जो मंत्र उसे दे रखा था उसका उच्चारण राजा ने किया। देखते देखते समय बीता और हृदय में प्रकाश प्रवेश कर गया, चित्त शक्ति शांत हो गई, चित्त में प्रकाश आ गया, मन भटकने से रुक गया। दौड़ता हुआ राजा संत के कुटिया में आया और संत के चरणों में लेट गया। संत ने उसे अपने हाथों से उठाया और गले से लगा दिया। ये नजारा भी वो सभी शिष्य देख रहे थे जो पहले देख रहे थे। राजा को उन्होंने अपने पास बैठाया। संत के सभी शिष्य आश्चर्य में थे। मन में एक प्रश्न चल रहा था सभी के, बोले, गुरुदेव जब ये शख्स, ये राजा पहले आपके पास आए तो आपने इसको चिमटे से पिटाई करके कुटिया से बाहर निकाला था, और जब ये दोबारा आए तो आपने इनको उठा के अपने गले लगा लिया और अपने पास बैठा लिया, इस बात का रहस्य जरा हमें बताएं। संत कहने लगे कि शिष्यों, जब ये राजा अपना राजपाट देके आए थे दान में, तब इनमें अहंकार था, ये अहंकार के भाव से इस कुटिया में आए थे, ये कभी अच्छे शिष्य नहीं बन पाते, ये आप सभी पे एक राजा की तरह रहते, नहीं कि आपका साथी बन के एक शिष्य बन के नहीं रहते। और जब वो अहंकार था तो मैंने इनको इस कुटिया से बाहर निकाला था,
और जब इन्होंने जंगल में साधना की, तपस्या की, जप किया, तप किया, तब इनके चित्त में ज्ञान का प्रकाश भर गया। और ये दोबारा कुटिया में आए तो प्रेम भाव से एक शिष्य बन के मेरे पास आए थे, इसलिए मैंने इसको उठा के अपने गले से लगाया और अपने पास बैठा दिया। श्रोताओं, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु का सिखाने का अंदाज सिर्फ गुरु ही जानता है, हर किसी की समझ में नहीं आता कि वो ही गुरु जो बच्चों को गलती पे डांटता है और उनको सिखाता भी है।